अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक बी का जो सेकंड पोर्शन है वो है एस्केलमिंथेस के। अब ये जो एस्केलमिंथेस हैं ये क्या हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इनके जो आगे से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है उसको हम जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हैं क्या, तो दीज आर द राउंड वर्म्स, ये राउंड वर्म्स होते हैं, दीज आर द राउंड वर्म्स। इसके अलावा अगर हम और देखें तो दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज दीज आर स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यानी कि इनमें फॉल्स सिलोम होती है, फॉल्स सिलोमिक कैविटी, और इसके बाद अगर हम इनकी और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि इनका जो फाइलम है, जो हम अगर इनके फाइलम की बात करें तो फाइलम इनका जो है वो निमाटोडा है, बिलोंग्स टू द फाइलम निमाटोड। और इसके अलावा अगर हम इनकी और इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखें तो इनके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स वो हैं इन द फॉर्म ऑफ पैपिलाई। ये कहाँ पे होते हैं, ये लिप्स पे होते हैं, एट इंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड, ठीक है जी। ये आपने इम्पोर्टेंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। और इसके अलावा इनको जो है वो नाम दिया जाता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट फीचर्स हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इसकी, तो इनको ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहा जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो इनके लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो बॉडी वॉल होती है और जो कैविटी होती है उसके दरमियान एक ट्यूब होती है, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब का स्ट्रक्चर, तो वो इनके लिए यूज़ किया जाता है एस्केलमिंथेस के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है जी, जिसमें मेल की अगर हम बात करें तो वो होंगे टेस्टिस जो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, और इसके अलावा जो फीमेल है उसके जो गोनेड्स हैं वो होंगे ओवरीज जो प्रोड्यूस करेंगे एग्स, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो याद रखनी है आपने, जिसमें राउंड वर्म्स, ये राउंड वर्म्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिडोसोलोमेट हैं, फाइलम इनका निमाटोडा है, सेंस ऑर्गन्स इनमें होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैपिलाई, लिप्स एंटीरियर साइड की ये पोजीशन है, और ट्यूब विद इन ट्यूब का जो है वो इनको नाम दिया जाता है एस्केलमिंथेस को। और इसके अलावा जो हैं ये सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, इनके बारे में आपको मैंने बता दिया। और अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम और बात करें, इनके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो वो इनमें जो है वो पूरली डिवेलप है, और इसके अलावा अगर हम देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो वो इनमें जो है वो टू लॉन्गिट्यूडनल रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, ठीक है जी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इनके बारे में ये हैं जो एस्केलमिंथेस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने जो मेन इनकी डिस्कस करना है, वो डिस्कस करने वाली जो इनकी चीज़ें पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास इनके थ्री जो ऑर्गेनिजम्स हैं आगे उनकी हमने मेडिकल इम्पोर्टेंस जो है उसको डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, अब ये जो है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो है ये ह्यूमंस में,
और इसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास है इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। इसको अगर हम देखें तो ये जो पैरासाइट हमारे पास है ये एक्ट एक्ट तो ऐसे करेगा इंडो पैरासाइट के तौर पर ही, और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, अफेक्ट जिन चीज़ों को करता है उनमें हमारी कोलोन है, कोलोन एज वेल एज सीकम का रीजन, और इसके साथ साथ अपेंडिक्स, इन पोर्शंस को ये अफेक्ट करता है। ठीक है जी। अब होता इस तरह से है कि जब ये अपनी लोकोमोशन परफॉर्म करता है, लोकोमोशन परफॉर्म करता है, तो इसकी जब लोकोमोशन होती है तो इसकी लोकोमोशन से इनमें क्या होता है कि इसकी जब लोकोमोशन परफॉर्म होती है तो ये चीज़ें जो है इसे हार्डली जो है वो अफेक्ट होती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो इरिटेशन कॉज होती है, इरिटेशन इन एनस, एनस से जो है वो इरिटेशन होती है, एनस के अंदर जो है वो इरिटेशन, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन कॉज होती है जब ये अपनी लोकोमोशन परफॉर्म करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलोन एज वेल एज अपेंडिक्स, इन दो पोर्शंस के अंदर जो है वो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है इसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो ये भी जो है इसका बहुत हार्डली जो है वो इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम फर्दर कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स डिस्कस करें कि जब हमारे पास ये हो कि इसकी लोकोमोशन से जब ये अपनी मूवमेंट परफॉर्म करता है तो उससे अगर ये हो जाए कि इरिटेशन हो जाए एनस में और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी स्वेलिंग हो जाए कोलोन और अपेंडिक्स में, तो फिर इससे ये होता है कि एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। इससे लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख जो है वो बहुत कम लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सेकंड डिसऑर्डर इससे होता है वो इंसोम्निया है। ठीक है जी। इस इन पॉइंट्स को जो है आपने याद रखना है कि इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इंट्रोबियस फर्मिकुलरिस। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात ये है कि दीज आर द हुक वर्म्स। सॉरी, दीज आर द पिन वर्म्स। ये जो है ये पिन वर्म्स हैं। ठीक है जी। इनको भी आपने जो है वो इम्पोर्टेंट ये टर्म है इसको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, जिसमें एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, इसको ये जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंट्रोबियस फर्मिकुलरिस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के, ये किस किस पार्ट को डिफेक्ट करता है। ठीक है। और इसकी जो डिफेक्ट लोकोमोशन से क्या क्या जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं, और उनसे आगे फिर फर्दर जो है वो क्या यानी कि फीचर्स आते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा थर्ड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है इंसाइक्लोस्ट्रोमा डॉर्डिनल। एनसाइक्लोस्टोमा। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो है इसे हम कहते हैं ये हैं हुक वर्म्स, हुक वर्म्स। ठीक है जी। जिनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ हुक लाइक होता है। ठीक है जी। अब ये जो एनसाइक्लोस्टोमा है ये एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन में जो विलाई का पोर्शन है, विलाई का पोर्शन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो विलाई का पोर्शन है उसको अफेक्ट करता है। अब ये करता क्या है, ये इंसाइक्लोस्टोमा ये क्या करता है कि ये इस विलाई के पोर्शन में एक अपनी जो हुक के ज़रिए जो है एक होल क्रिएट करता है, और इस होल के ज़रिए ये क्या करता है कि ब्लड को और बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको सक करता है, बॉडी फ्लूइड्स को
सक करता है, ठीक है जी। और सकिंग के दौरान ये क्या करता है कि एक एंटी कोएगुलेंट प्रोड्यूस करता है, एंटी कोएगुलेंट प्रोड्यूस करता है। ये एंटी कोएगुलेंट क्या करता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंशन का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है जी। एक्चुअल वे में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो इस तरह होता है कि ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस के लिए फिर ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं जिसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, तो ये क्या करती हैं कि ये उस जगह पर ब्लड क्लॉट बना देती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो अब अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो फिर ये होता है कि ये फीड पर अपनी फीडिंग का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग फीडिंग अपने अंदर एक एंटी कोएगुलेंट केमिकल जो है उसको रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल क्या करता है कि उस रीजन के ऊपर ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही अपनी फीडिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म करते हैं तो ये एक एंटी कोएगुलेंट जो है वो उसी जगह पे रहता है और ब्लड क्लॉट वहाँ पे बनने नहीं देता, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो इससे जो डिजीज़ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर अगर हम देखें तो इसका एनीमिया हो जाती है एंड रिटार्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है जी। तो ब्लड की क्योंकि ये डिजीज़ हैं तो ये इसका आपने याद रखना है कि ये हुकवर्म्स हैं और इसके अलावा विलाई जो है वो इनका मेन, विलाई जो है इनका मेन जो अटैकिंग पॉइंट है वो है। और ये किसको सक करते हैं, ब्लड को और बॉडी फ्लूइड्स को। और प्रिवेंशन के लिए ये क्या काम करते हैं कि एंटी कोएगुलेंट जो है उसको रिलीज़ करते हैं बॉडी से, जो कि ब्लड क्लॉट बनने से महफूज रखता है। और बच्चों के अंदर यानी चिल्ड्रन में ये एनीमिया की डिजीज़ कॉज करते हैं और इसके अलावा जो फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है इसकी वजह से। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट मेडिकल इंपॉर्टेंस है जिसको आपने याद रखना है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्केलमिंथिस के जो फीचर्स हैं उनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये एमडीकैट का पोर्शन है तो इसको हम डिटेल में जो है वो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया तो इस तरह इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। इसके जस्ट जो पॉइंट्स हैं जो कि एमडीकैट में पूछे जा सकते हैं उनको ही यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो राउंड वर्म जो है ये एवरीवेयर मौजूद होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम देखें कि इनका बाहर काम क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकिंग करते हैं। और इसके अलावा अगर हम सिंपल जो सिंगल रोटिंग एप्पल लें तो उसमें 90,000 जो वर्म्स हैं वो मौजूद होंगे, इस पॉइंट को भी आप याद रख लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसको हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें एस्केलमिंथिस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनके आगे से ऑर्गेनिज्म की टाइप्स उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।